नमस्कार। एक ऐसी महिला जिन्होंने साल 1943 में झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई, जो महिलाओं से सजी ब्रिगेड थी। साल 1998 में पद विभूषण से नवाजा गया। साल 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम के सामने उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। आइए जानते हैं एक ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज की अधिकार आजाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री कैप्टन लक्ष्मी सहगल की जीवन गाथा। मद्रास प्रांत के मालाबार में 24 अक्टूबर 1914 को जन्मी लक्ष्मी सहगल, जिनके जन्म का नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। उनके पिता एस स्वामीनाथन एक वकील और माँ एवी अम्मू स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनकी माँ केरल के एक ऐसे जाने माने स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थी, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सहगल के अंदर क्रांतिकारी स्वभाव उनकी माँ से आया। वह शुरू से ही बीमार गरीबों को इलाज के लिए परेशान देखकर दुखी हो जाती थी। इसी के मद्देनजर उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सा को अपना पेशा चुना और 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। पढ़ाई समाप्त होने के बाद 1940 में उन्हें सिंगापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने गरीब भारतीयों और मजदूरों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया। कुछ समय सिंगापुर में रहते हुए उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय सेना के कुछ सदस्यों से हुई। उसी समय से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अभियान में सक्रिय रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया था, तब उन्होंने घायल युद्ध बंदियों के लिए काफी काम किया। 2 जुलाई 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए, तब 1 घंटे की मुलाकात के बाद सहगल ने अपनी इच्छा जता दी कि वह भी उनके साथ आजादी की लड़ाई में उतरना चाहती है। बोस भी महिलाओं को आजादी की लड़ाई में उतारना चाहते थे और महिलाओं को आगे बढ़ाने के संकल्प में वह ये बोला करते थे कि देश की आजादी के लिए लड़ो और आजादी को पूरा करो। सहगल का जज्बा देखकर उन्होंने सहगल के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की घोषणा कर दी। इस रेजिमेंट में सहगल कैप्टन के नाम से जानी जाती थी और उनसे प्रभावित होकर बाकी महिलाएं इस रेजिमेंट में शामिल होती गईं। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल अस्थाई आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्यता बनी। जिस वक्त औरतों का घर से निकलना भी जुर्म समझा जाता था, उस वक्त उन्होंने 500 महिलाओं की एक फौज तैयार की, जो एशिया में अपने तरीके की पहली विंग थी। सहगल ने मार्च 1947 में लाहौर में प्रेम कुमार सहगल से शादी कर, लेकिन लक्ष्मी सहगल अपनी बुलंद आवाज उठाती रही। 1971 में उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 1981 में वह अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संस्थापक सदस्यों में भी रही। 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के वक्त भी उन्होंने अपनी टीम के साथ भोपाल पहुंचकर राहत का कार्य किया। इसके बाद वह 1984 में हुए सिंह दंगों में भी कानपुर में शांति लाने का काम करने लगी। 2002 में 4 पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने सहगल का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान और संघर्ष को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा पद्म विभूषण से नवाजा गया। साथ ही उनकी याद में कानपुर में ही कप्तान लक्ष्मी सहगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। हम कह सकते हैं कि हर महिला के हक में आवाज उठाने वाली इस महिला ने क्रांति के बीज बो दिए। धन्यवाद।